नमस्ते दोस्तों, मैं वैशु, वैशु व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला चावल। यहाँ पे मैं आपको 3 टिप्स दूंगी जिससे आपका मसाला चावल अच्छा खिला खिला बनेगा और कलरफुल भी दिखेगा। तो हम इस व्यंजन को गुड़ी पाड़वा के थाली में परोसेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए है, ठीक है। यहाँ पे 250 ग्राम बासमती चावल है, हमने आधे घंटे के लिए भिगोए थे इसे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, ऑयल डालेंगे 3-4 चम्मच। तो हम कुछ खड़े मसाले डालते हैं, काली मिर्च 4-5 हमने इसे मसाले में पीसे हैं तो कम डालेंगे। 3-4 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 राई डाल देंगे। जीरा डाल देंगे 1 चम्मच। अभी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें हींग, तेज पत्ता डाल देंगे, 1 प्याज डालेंगे, मीठी नीम की पत्ती, 5-6 हरी मिर्च, ये मेरे पास छोटी मिर्च, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे, इसका पाउडर बना लिए हमने। जो मसाले लिए थे खड़ा मसाला, उसे भून कर पीस लिए हैं, वो डाल दिए हैं। मसाले हो गए हैं, अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप तीखा अपने हिसाब से डालिए, तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक 1 चम्मच नमक डाले हैं हमने। डालेंगे हम 8-10 काजू, 2 भाग में कटे हुए। अभी हम डालेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 2-3 मिनट तक। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक टिप्स बता रही हूँ आपको, इसमें डालेंगे हम दही या नींबू का जूस भी डाल सकते हैं आप, इससे हमारे चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे और स्वाद भी कुछ अच्छा खट्टा स्वाद आएगा थोड़ा सा। ये 2 चम्मच दही डाल रहे हैं, आप चाहे तो नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, मेरे पास दही है तो मैं दही का यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिलाएंगे दही। अरे आप आ गए, पता है 2 अप्रैल को क्या आने वाला है? गुड़ी पाड़वा आने वाला है। और गुड़ी पाड़वा में क्या करते हैं हम लोग? नया साल मनाते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, अपना लक ट्राई करेंगे, वो भी कहाँ पर? यूट्यूब पर जाकर। और यूट्यूब में वैशु व्लॉग को सर्च करना है, वहाँ पे आपको एक पेरिस की रेसिपी का वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स पर जाकर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी वैल्यूएबल कमेंट हमें शेयर करना है, ताकि आपका गिफ्ट आप तक पहुंच सके। तो जल्दी कीजिए, देरी मत लगाइए, मिलते हैं 2 अप्रैल को, आप विजेता ठहर सकते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक। एक आलू, 2 बहुत ही अच्छी आ रही है मसालों की, 2 में डालेंगे हम फूलगोभी 1 कटोरी, 2 फूलगोभी को ज़्यादा छोटे टुकड़ों में मत काटिए, बड़े हो सके तो बड़े बड़े रखिए, क्योंकि वो चावल में जल्दी पक जाती है, वो घुल जाती है, ज़्यादा फूटी हुई तो अच्छी नहीं लगती। तो इसी में डालेंगे हम चावल। सब्जियाँ अच्छे से हो गई है, 2-3 मिनट पर रखना है बस सब्जियों को। हम यहाँ पे कोई वेजिटेबल्स और नहीं ऐड कर रहे हैं, हम बाद में बता रहे हैं आपको, कलरफुल चावल दिखना चाहिए। तो गाइस, अब हम आपको दूसरी टिप्स बता रहे हैं। यहाँ जितने हमने चावल लिए उतना ही पानी डालेंगे, हमने 250 ग्राम पे 1 ग्लास हम पानी डालेंगे, इसे ज़्यादा कुकर में पकाते तो ज़्यादा पानी नहीं लगता। हम 1 ग्लास पानी डालेंगे,
और एक की सीटी होने देंगे। अगर आपका कुकर ज़्यादा वक्त ले रहा है तो आप जल्द से जल्द बंद करिए, नहीं तो चावल जलेगा और आसट भी बनेगा, ज़्यादा पक जाएगा। ठीक है, ये कुकर के स्टीम में पक जाता है चावल, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चावल भी अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम लीड लगा देते हैं, सीटी होने देंगे। देखिए, एक सीटी लेने के लिए टाइम लग रहा होगा तो बता रही मैं आपको कि आप जल्द से जल्द बंद करिए, नहीं तो चावल जल जाएगा। तो गाइस, हमारे चावल का प्रेशर ख़त्म हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे हमने जो फ्राई करे थे गाजर, मटर, शिमला मिर्च, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे नहीं तो चावल टूट जाएगा। और फूल गोभी भी अच्छी है, ऐसे सब्जियाँ थोड़ी क्रंची लगती है, देखिए ज़्यादा कुक नहीं हुए हैं सब्जियाँ। और हम गुड़ी पाड़वा के व्यंजन में इसे सर्व करेंगे।